झारखंड के गिरिडीह जिला अंतर्गत गांवा थाना क्षेत्र के सेरुआ से एक बड़ी घटना सामने आई है। एक तरफ लोग जहां लोक आस्था के महापर्व छठ में व्यस्त थे, वहीं दूसरी तरफ सेरुआ सकरी नदी स्थित अर्घा घाट से एक 6 वर्षीय मासूम बच्चे का अपहरण कर दिया गया। इसके अपहरण के बाद 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। गांवा थाना क्षेत्र के सेरुआ निवासी विनोद यादव का पुत्र ऋषि कुमार 6 वर्ष अपने परिजनों के साथ छठ व्रत के लिए पहले अर्घ के दिन सकरी नदी स्थित अर्घा घाट में आया था। वहीं से किसी ने शाम 4:30 बजे के करीब उसका अपहरण कर लिया और जब बच्चा नहीं मिलने लगा तो परिजन उसकी खोजबीन करने लगे। खोजबीन करने के काफ़ी बाद भी जब नहीं पता चला तो शाम को इसकी सूचना गांवा पुलिस को दी गई। गांवा पुलिस हरकत में आई, उसकी काफ़ी खोजबीन की, चारों तरफ खेत नदी नाले में चारों तरफ देखा गया, लेकिन बच्चा जब कहीं नहीं मिला तो पुलिस भी काफ़ी परेशान हुई। ग्रामीण भी परेशान हो करके अंततः छठ के लिए बनाए गए अर्घा घाट के बगल स्थित नव निर्माणाधीन पानी टंकी के लिए खोदे गए गड्ढे में उसकी तलाश की जाने लगी। 2 दिनों तक डीजल पंप सेट लगाकर उसकी पानी को सुखाया गया, बावजूद इसके उसका कोई पता नहीं चल पाया। आज दिन गुरुवार को गांव पुलिस ने डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया और उसकी खोजबीन के लिए उसे अर्घ देने वाली स्थान पर ले जाया गया। सबसे पहले खोजी कुत्ता को उक्त बच्चे के द्वारा उतारे गए कपड़े को सुखाया गया। इसके बाद खोजी कुत्ता उसे खोजने के लिए नदी के किनारे किनारे पहले गणपत बागी की तरफ जाने के बाद नदी किनारे चलते चलते गांवा जाने वाली सड़क की ओर मोड़ पर गया और वहीं जाकर रुक गया। उसके रुकने के बाद डॉग स्क्वाड की टीम के सदस्यों ने गांवा पुलिस को बताया कि इससे साफ जाहिर होता है कि बच्चा पैदल नदी किनारे किनारे इस रोड स्थित मोड़ तक आया और यहाँ आने के बाद उसे किसी वाहन में बिठाकर ले जाया गया है। इससे यह साबित हो गया है कि उस बच्चे का अपहरण कर लिया गया है। इस तरह की घटना गांव क्षेत्र में होने के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। लोग डर के साए में जी रहे हैं। साथ ही साथ लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि ऐसे में कोई बच्चे को स्कूल कैसे भेजे, किसी का बच्चा कैसे सुरक्षित हो।